जय श्री कृष्णा दोस्तों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ योगिनी आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। तो चलिए, आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष योगिनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूं और उसके बाद मैं आपके समक्ष आरती भी करूंगी, तो जरूर सुनिएगा। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, आपने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनाई, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है, सो वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह मुक्ति और हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराण में की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। टीकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह शिव भक्त था तथा उसकी पूजा के लिए एक हेममाली से पुष्प लाया करता था। उसकी विशालसी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल ले गया, परंतु कामाशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक ना गई। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ, अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसको पता लगा लिया, तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की ऐसी बात सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। वह राजा के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़कने लगे। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर श्राप के प्रभाव से उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महा दुख भोगे, परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की शुद्ध रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया और चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्या में लीन थे और दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभ्यमान हो रहा था। उनको देखकर हेम माली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और तू महान दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेम माली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल न पहुंचा, तो राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इसलिए मैं कोढ़ी हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरा उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति
होती है। बोलो योगिनी एकादशी माता की जय हो। तो चलिए मैं आपके समक्ष योगिनी एकादशी माता की आरती कहती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस आरती में सभी एकादशियों के नाम शामिल है। जय एकादशी माता की जय हो। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई, मोक्षदा मुक्ति बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। जय एकादशी माता, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली। ओम जया एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव श्यानी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता, कामिक सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, स्वर्ण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भद्र पद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हर नरहारी, रामा समास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। जय एकादशी माता, देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। जय एकादशी माता, परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जया एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चित ही पावे। ओम जया
एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको मेरी यह आरती एकादशी माता की पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवती वासुदेवाय जरूर लिखिए।